बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ टेस्टी एंड हेल्दी रेसिपी। जी हाँ, आज मैं सैंडविच की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। सैंडविच बनाने के लिए मैं यहाँ पास 6 ब्रेड स्लाइस ली हूँ। मैं यहाँ पास वाइट ब्रेड यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो ब्राउन ब्रेड का भी यूज़ कर सकती हैं। बटर ली हूँ मैं 3 टीस्पून के करीब। मैं आपको आगे दिखा दूँगी मैं कितना बटर यूज़ कर रही हूँ। मायोनीस 3 टेबल स्पून, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। और मैं यहाँ पास खीरा ली हूँ। एक छोटे साइज के खीरा को मैं स्लाइस में कट कर दी हूँ। एक मीडियम साइज को मैं प्याज को भी मैं स्लाइस में कट कर दी हूँ। 2 से 3 हरी मिर्च को मैं बारीक कट की हूँ। एक मीडियम साइज के टमाटर को मैं थोड़ा दबीज में कट की हूँ स्लाइस में। आप चाहे तो थोड़ा बारीक भी कट कर सकती हैं इसे। यहाँ पास मैं सॉस ली हूँ, टोमेटो सॉस और ग्रीन चिली सॉस। आप चाहे तो रेड चिली सॉस का भी यूज़ कर सकती हैं। कितना यूज़ होगा मैं आपको आगे दिखा दूंगी। चूल्हा हमारा ऑन है, फ्राइंग पैन अच्छे से गर्म हो चुका है। आप यहाँ पास तवा का भी यूज़ कर सकती हैं, चाहे तो आप इसे तवे में भी बना सकती हैं। अब मैं ब्रेड के स्लाइस को सेक लूँगी। इसे बिना बटर या फिर बिना तेल के ही सेकना है। मैं इसे हल्का सेक लूँगी सारे ब्रेड के स्लाइस को। उलट पुलट करके हमें इसे सेकना है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे और बाकी के जो स्लाइस बचे हुए ब्रेड के उसे भी मैं सेक लूंगी इसी तरह। सारे ब्रेड के स्लाइस को ये देखिए मैं सेक ली हूँ, हल्का सेकी हूँ। अब मैं ब्रेड के स्लाइस में मायोनीज लगाऊंगी। साथ ही इनमें मैं अब खीरा डालूंगी, प्याज, टमाटर, हरी मिर्च। अब मैं इनमें नमक डाल दूंगी। नमक आप टेस्ट के अकॉर्डिंग यूज़ कीजिएगा। ये देखिए मैं कैसे लहसुन इसे एक प्लेट में रख दूंगी। अब मैं इसके ऊपर जो दूसरा स्लाइस ब्रेड का लगाने वाली हूँ उसमें भी मैं मायोनीज़ लगा दूंगी। मायोनीज़ लगाकर सैंडविच को मैं इस ब्रेड से कवर कर दूंगी। ये देखिए अब मैं इसके ऊपर इस तरह से रख दूंगी दूसरे ब्रेड के स्लाइस को। अब मैं फिर से मायोनीज लगाऊंगी। इसी तरह से हमें सारे ब्रेड के स्लाइस में मायोनीज लगाना है, फिर खीरा, प्याज, हरी मिर्च, टमाटर ये सब डालना है और नमक डाल करके इसे कवर कर देना है दूसरे ब्रेड के स्लाइस से। अब मैं इनमें टमाटो सॉस और चिली सॉस डाल दे रही हूँ।
इसमें मैं टमाटर सॉस और चिली सॉस डाल दी हूँ। आप चाहे तो इसमें नहीं डालिए, बाद में भी आप इसे ऊपर से भी खा सकती हैं, लेकिन मैं इसमें डाल के ही इसे फ्राई कर लूँगी। ये देखिए सारे सैंडविच मैं बना ली हूँ। अब मैं बस इसे टोस्ट कर दूंगी बटर में। आप चाहे तो तेल में भी टोस्ट कर सकती हैं। ये देखिए इतना हमारा बच गया है, अब हम इसे बाद में यूज़ कर लेंगे, वेस्ट बिल्कुल नहीं करेंगे। पैन हमारा गर्म है। अब मैं इनमें 1 टीस्पून के करीब बटर डालूंगी पैन में। पैन गर्म है हमारा। जब बटर हमारा मेल्ट हो जाएगा तब हम इसमें ब्रेड डाल देंगे और इसे अच्छे से टोस्ट कर लेंगे। ये देखिए बटर जो है वो पिघल गया। अब हम इसमें ब्रेड के स्लाइस को डाल देंगे, जो हम सैंडविच बनाए हैं ब्रेड के स्लाइस का वो डाल देंगे इसमें। ये देखिए मैं डाल दी हूँ इस तरह से। ये देखिए खीरा थोड़ा साइड से निकल रहा है, बट कोई नहीं, वो मैनेज हो जाएगा। एक तरफ से लगभग ये टोस्ट हो चुका है, अब हम इसे पलट देंगे। आप देख सकते हैं इसका कलर कितना अच्छा आया है, ये कितना खूबसूरत लग रहा है गोल्डन पर। इसी तरह से हमें टोस्ट करना है। मैं इसे पैन में बना रही हूँ इसलिए पलटने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, लेकिन आप इसे तवे पर बनाइएगा ना तो ये आसानी से पलट जाएगा, कोई टेंशन नहीं होगा इसे पलटने में। ये देखिए ये हो चुका है, अब मैं इसे निकाल लूँगी एक प्लेट में। अब मैं इनमें वापस से 1 टीस्पून के करीब बटर डाल दूँगी। ये देखिए बटर हमारा पिघल रहा है। अब वापस से हम इसमें सैंडविच जो बनाया है वो डाल देंगे और उसी तरह से इसे भी हम टोस्ट कर लेंगे। अब हम इसका साइड चेंज कर देंगे। ये देखिए इसका भी कलर बहुत अच्छा आया है। ये हो गया है, अब हम इसे एक प्लेट पे निकाल लेंगे। इसी तरह से हमें तीसरे को भी टोस्ट करना है। ये देखिए टेस्टी एंड हेल्दी सैंडविच बनकर रेडी है। ये खाने में बहुत लजीज लगते हैं, बच्चे तो इन्हें बहुत पसंद करते हैं। आप इन्हें बना कर दे सकती हैं। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें।